अस्सलामुअलैकुम, अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हमने बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस करेला गोश्त। आप देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसे रुमाली रोटी या घर की नॉर्मल चपाती के साथ में सर्व करिए, बहुत ज़्यादा यम लगता है। तो चलिए फिर अदीबा की रसोई में और देखिए हमने इसे कैसे बनाया है। तो आइए देखते हैं करेला गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 kg रेड मीट, उसके बाद में यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ की अनियन ली है, उसको इस तरीके से आप देखिए चॉप कर लिया है, स्लाइस कर लिया है। उसके बाद में जितना आपको मीट लेना है उतने ही आपको करेले लेने हैं। तो ये 1/2 kg करेले हैं। देखिए जब आप लेंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर छिलका विलका निकाल के बीज उसके जो सीड्स वगैरह होती हैं तो इस तरीके से बचते हैं। तो करेला हमने नमक लगा करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद में इसे बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लिया सो दैट इसका कड़वापन निकल जाए। लोगों को मिथ है कि करेला चाहे जैसे भी बना लो वो कड़वा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बनाइएगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है, कड़वे का तो नामो निशान नहीं। उसके बाद में यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है 1/4 कप दही। उसके बाद में ये कुछ स्पाइसेस हैं इस तरह से, यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट है, और ये 1 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगेन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और इसमें 125 ग्राम ऑयल डाला है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी प्याज आप अभी डालिएगा, ये देखिए हमने इतनी डाली है और इतनी बचा ली है। आप पहले इसे हम फ्राई करेंगे, इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता, थोड़ी सी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम अपना मीट डाल देंगे इसमें सारा। ये देखिए हमने सारा मीट डाल दिया है, अब हम इसे डाल करके अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारे मीट का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए मीट का कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, अब हम इसमें ये जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था ये डाल देंगे और इसे डाल करके भी अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन डाल के भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले जाएगा नमक, उसके बाद में यहाँ पे हमने डाला है रेड चिली पाउडर, हल्दी और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने मसालों को भून लेंगे। देखिए मसालों को 1 मिनट तक हमने भून लिया, साथ ही इसमें ये जो हमने आपको बताया था दही ये लेंगे और डाल देंगे इसे भी। और दही डाल करके अब बहुत अच्छे से हमें इसे भूनना है जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, ऑयल भी एकदम सरफेस पे आ गया है। अब हम इसमें ये जो हमने आपको टमाटर दिखाए थे ये शामिल कर देंगे और इससे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे तब तक जब तक हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते और ये ग्रेवी में मिक्स नहीं हो जाते। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखिए मसाले भी सब अच्छे से भुन गए, ऑयल एकदम हमारा सरफेस पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने करेले लिए थे ना ये सारे इसमें डाल देंगे और साथ ही ये जो बची हुई प्याज थी ये डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी प्याज बहुत ज़्यादा है लेकिन करेला गोश्त में प्याज का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब बस हमें इसे टेंडर करना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे इसमें पानी, पानी 1.5 ग्लास के अराउंड हम डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए हमने पानी डाल दिया है, अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक हमारा मीट गल नहीं जाता अच्छे से। आइए देखते हैं हमारा मीट टेंडर हो गया है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप एक पीस लीजिएगा, ऐसे नाइफ लगा के देखिएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो रहा है, हमारा गोश्त एकदम गल गया है। बस अब हमें क्या करना है, इसे भूनना है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि अभी इसमें पानी है थोड़ा, बस अब हम इसे भून लेंगे और हमारा करेला गोश्त एकदम बनके तैयार है। अब देखिए करेले भी गल गए हैं, तो देखिए हम आपको नाइफ लगा के दिखा रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से एकदम टूट रहे हैं। तो करेले भी हमारे गल गए।
ये देखिए हमारा करेला गोश्त भुन गया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतना सफिशिएंट है। तो ये देखिए इसे हमने भून लिया है, ऑयल भी सरफेस पे आ गया है, बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने करेला गोश्त को कर लिया है डिश आउट। आप इसमें ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे धनिया, तो अच्छा लगेगा। आई होप आपको हमारी ये करेले गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।